मनु एंड यू वॉचिंग मी ऑन रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट। आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ कि जो वुमेन बोलती हैं कि जिम जाने से मसल बन जाते हैं, जिम जाने से डोले बन जाते हैं। बहुत गर्ल्स मैंने खुद अपनी लाइफ में अब देखी हैं और रादर मैंने सुना भी है उनको, आए जब जिम आएगी ना ज्वाइन करने के लिए, वो बोलेंगे कि सर मुझे ना बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, मुझे ना मसल नहीं बनानी, मेरे को सिर्फ वेट लॉस करना है। भाई तुम जिम तो ज्वाइन कर लो, तुम आ तो जाओ, मसल तो बहुत बन भी नहीं सकते गर्ल्स के, बहुत दूर की बात है। सो अगर ये कोई गर्ल्स बोलती है ना कि मेरे को मसल बिल्डिंग नहीं करनी है, सो ये सिर्फ मिथ है कि आपको जिम जाने से सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं या फिर मसल बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखी ही है कि बॉयज़ आते हैं वेट लिफ्ट कर रहे हैं, कोई डंबल मार रहा है, कोई स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कर रहा है, कोई जिसने प्लेटें उठाई हुई हैं 15-15, 20-20 किलो की। सो गर्ल्स को ये लगता है कि हम भी ऐसा करेंगे तो हम भी उससे जैसे बन जाएंगे, बट नहीं, आप ऐसा नहीं बन सकते। वाई, रीज़न क्या है? क्योंकि दोनों की बॉडी में फ़र्क होता है, बॉयज़ और गर्ल्स की, दोनों की बॉडी में हार्मोन्स चेंजेस हैं, दोनों की स्ट्रेंथ में डिफरेंट है, मेटाबॉलिज्म रेट डिफरेंट है। सो दो एक साइंटिफिकली होता है कि गर्ल्स में एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है। सो अगर आप पढ़ना चाहो तो गूगल पे चेक कर सकते हो दोनों में क्या फ़र्क है, कि कैसे वर्क करता है बॉडी में, वुमेन की बॉडी में और मैन की बॉडी में, यू कैन चेक इट आउट। सो उसमें क्या है कि अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, गर्ल्स में वैसे ही होता है, तो उससे आप मसल बिल्डअप नहीं हो सकता, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जितना मर्जी आप करते रहो वेट ट्रेनिंग, जो मर्जी जितने मर्जी, और मैं भी 25-25 किलो का डंबल उठा सकती हूँ, कितनी को बॉडी है, ठीक है नॉर्मल, आई एम टोन्ड अप। सो इट्स नॉट अबाउट कि मैंने सिर्फ डोले ही बनाने हैं, मैंने सिक्स पैक्स निकालने हैं तभी मैं ये जिम जा रही हूँ। सबका अपना अपना गोल है, सब जाते हैं, बट गर्ल्स का बेसिकली ये होता है कि मैंने वेट लॉस करना है। बट येस, सिर्फ कार्डियो से आप अपना वेट लॉस कर तो सकते हो, बट बॉडी टोन अप शेप अप नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा कार्डियो करोगे, रनिंग करोगे, बहुत एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जितनी ज़्यादा करोगे उतना आपकी स्किन लूज हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कि स्किन हमारी लटक जाती है, स्किन से ग्लो चला जाता है, हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे रीजंस हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये चीज़ें करोगे, स्ट्रेंथ नहीं करते हो, कार्डियो से ये सब चीज़ें होती हैं। सो बेटर टू बैलेंस इट, मेंटेन करके कि कार्डियो मुझे किस चीज़ के लिए करना है। हर चीज़ का एक पर्पस होता है करने का, एक गोल होता है। सो कार्डियो करोगे तो आपकी स्किन 100% लूज होएगी। सो उसके कंपैरेटिवली आप मसल कर रहे हो, एज एन रिजल्ट वो आपकी शेपअप हो जाती है बॉडी। 100% सोल्यूशन नहीं है स्ट्रेंथ, बट येस वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर वुमेन बॉडी। अगर आप मसल ट्रेनिंग, 2.5 किलो का डंबल भी आप उठा सकते हो, इट्स नॉट अबाउट कि आपकी स्ट्रेंथ 10 किलो की है, आपने 10 ही उठाना है। सो 2.5 किलो से भी आप अपनी बॉडी टोन अप कर सकते हो। सो ये मत सोचना फ्रेंड्स कि आप सिर्फ और सिर्फ जिम जाओगे तो मसल बिल्डिंग के लिए ही जाओगे। मसल बिल्डिंग के लिए बहुत सारे और तरीके हैं, वो उस तरीके गर्ल्स होती हैं, आप नर्व निकाल के घूम रही हैं, आपने देखी है बहुत कवर पेज पे आ रही हैं, फिटनेस वुमेन हैं, फिटनेस मॉडल्स हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रही हैं, बिकनी एथलीट हैं, बहुत सारे होते हैं। सो उनका गोल बिल्कुल डिफरेंट होता है, उनकी डाइट प्लान डिफरेंट है, उनकी सप्लीमेंटेशन डिफरेंट है। सो हम उस लेवल तक नहीं जा सकते। सो आपका पर्पस है जिम में आना, वेट लॉस करना, प्लस योर बॉडी शुड बी टोन्ड। सो ये मिथ अपने दिमाग से, ये वहम अपने दिमाग से निकाल दो कि जिम जाना है सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए जाना है या मसल बिल्डअप करने के लिए जाना है। इट्स अबाउट योर टोनिंग। सो अगेन आई एम सेइंग कि ये टोन अप करनी है बॉडी, लटकानी नहीं है। सो जो भी चीज़ करनी है वो स्मार्टली तरीके से करनी है, अपनी कोचिंग ढंग से रखो, अपनी डाइट तरीके से रखो, अपने ट्रेनर से ट्रेन करो, कोच से अपनी नॉलेज लो कि ये वर्कआउट किस चीज़ के लिए। उसने बोला जी बर्पीज कर लो, लग गई थी लड़कियाँ 20-20 रेपिटेशन, 50-50 रेपिटेशन कर रही हैं, बट उनकी कोई स्किन थोड़े ना, फिर वो लूज ही हैं, टोन अप तो कुछ भी नहीं हुई, वही अगेन फ्लैट आगे से पीछे से वही सब चीज़ें, बट ये सब चीज़ें ना करो। सो स्ट्रेंथ करोगे तो टोन अप होएगी बॉडी, ये मत सोच के जाना जिम कि सिर्फ और सिर्फ हमने मसल ही बनाने हैं। सो आई थिंक आई हैव क्लियर योर मिथ, आई हैव क्लियर योर डाउट्स। सो गर्ल जाओ जिम,
वर्कआउट करो, तरीके से करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी अनरोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट।